अपने टू डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो देखो, हमने दो डिजिट लिया है। सबसे पहले हमने एक जनरल केस ले रखा है कि ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी है, तो इसमें हमको थ्री स्टेप करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकेंड स्टेप में इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड स्टेप में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, अब आओ हम लोग अपना एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहला स्टेप है बी इंटू डी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 का 8 लिखेंगे, कैरी हमने 1 लगा दिया है साइड में, और फिर हमको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना था। 6 3 18, ये हो गया 18, और ये हो गया 4 3 12। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और एक कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 31। फिर हमारा कैरी चला गया 3। फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, और ये कैरी 3, हमारा आ गया 15। अब इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, जैसे 9 2 जा हो गया 18, कैरी हो गया 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। इन दोनों को जोड़ दो, 47 प्लस 1 क्या हो गया, 48, कैरी हो गया 4। फिर 5 1 जा 5 4 9, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 988। इसी तरह एक आप अपने से खुद से कर लेना, ये हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाई 27। ठीक,